मेरा नाम अंजना रावत है और मैं बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ। मेरे कॉलेज का नाम मयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाजपुर उधम नगर है और मेरा रोल नंबर 1810754000006 है। मेरी ईमेल आईडी anjanarawat427@gmail.com है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व COVID-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण कॉलेज और स्कूल्स काफी समय से बंद हैं। हम भी अपने कॉलेज के पास में ही रूम लेके रेंट पे रहते हैं, जिसके वजह से जो हमारी टीचिंग की लेसन प्लान की किट है पूरी, वो वहीं छूट गई है। लेकिन फिर भी हमने एक दो लेसन प्लान की डायरी बनाई है। ये मेरे SST वाला का लेसन प्लान है फाइनल का, इसमें जिसका टॉपिक है कि भारत के भौगोलिक प्रदेश। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने पूरा लेसन प्लान तैयार किया है। और ये है मेरे हिंदी का, क्योंकि मेरे दो सब्जेक्ट है हिंदी और SST, तो ये मेरी हिंदी का लेसन प्लान है। इसमें है मेरा टॉपिक व्याकरण और जिसका कि प्रकरण है संधि। ये मेरे SST का लेसन प्लान है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो सब लोग? ठीक है मैम। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। जी तो मैम, जो क्वेश्चन तुम्हें आएंगे वो बताना और जो नहीं आएंगे तो वो मैं बता दूंगी। ठीक है? ठीक है मैम। तो बताओ कि हम कौन से राज्य में रहते हैं? उत्तराखंड में मैम। अच्छा तो उत्तराखंड एक कैसा राज्य है बताओ, मतलब यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं या मैदानी है, ये कैसा राज्य है? पहाड़ी मैम। हाँ अच्छा, तो मैदानी राज्य भी देखे हैं आप लोगों ने? जी मैम। कैसे होते हैं मैम? वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? जैसे मैम यूपी है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है? मैदान पाया जाता है। ठीक है जी मैम। अच्छा ये बताओ कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 मैम। 28 राज्य हैं। ठीक है जी मैम। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 मैम। गुड। तो चलो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के भौगोलिक प्रदेश। ठीक है जी मैम। देखो भारत के भौगोलिक प्रदेश का मतलब क्या है? यहाँ की मतलब जो संरचना है, पहाड़ है, मैदान है, नदियां हैं, कि भारत जो है हमारा वो कैसे कैसे हिस्सों में बना हुआ है। ठीक है जी मैम। तो देखो पहले हम सबसे पहले भारत का ही नक्शा बना लेते हैं। ठीक है जी मैम। ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है जी मैम। इसको ऐसे बांधते हैं। ठीक है जी मैम। अच्छा तो तुम्हें पता होगा ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है? उत्तर मैम। कौन सी होती है? उत्तर मैम। हाँ ये उत्तर है। ये क्या है हमारा? दक्षिण दिशा। ठीक है। और ये है हमारा पूर्व। पता है या नहीं है बच्चों? पता है मैम। ठीक है जी मैम। अच्छा बताओ सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूरब से। हाँ तो देखो जो हमारे ये उत्तर की जो हमारे भारत के उत्तर में है, ठीक है जी, ये वाला जो एरिया है उत्तर का और ये कौन सा है? पूर्व का। ठीक है तो जो हमारा उत्तर पूर्व का ये हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है? हिमालय क्षेत्र। ठीक है। उत्तराखंड भी कौन सा राज्य है? हिमालय। हम जिस राज्य में रहते हैं वो भी कौन सा राज्य है? हिमालय क्षेत्र। ठीक है जी मैम। तो जो ये हमारे उत्तर भारत के जो उत्तर दिशा में है, उत्तर पूर्व में, वो सारे राज्य कैसे हैं? ये हिमालय वाले। ठीक है जी मैम। और जो हमारे पश्चिम में इधर क्या है हमारा? राजस्थान है ना। राजस्थान में कैसे पाया जाता है? रेत पाया जाता है जी मैम। तो ये है हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे रेतीला भाग है हमारा। ठीक है जी। आप लोगों को दिख रहा है ब्लैकबोर्ड पे साफ? जी मैम। हाँ अब देखो ये कौन सा एरिया? ये सारा क्या है? समुद्र वाला एरिया। ठीक है ठीक। तो जो समुद्र किनारे वाला एरिया है ये कौन सा होता है? मतलब
ये होता है हमारा तटीय तटीय भाग, ठीक है, तटीय भाग, ठीक है जी मैम। आप देखो यहाँ पे जो हमारा एरिया है ये कौन सा है, मैदान वाला, ठीक है, ये से कहते हैं उत्तर का मैदान। ये पूरा क्या है हमारा एरिया बीच का मैदान वाला, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ उत्तर का मैदान मैदान, ठीक है। और यहाँ पे आता है हमारा दक्षिणी दक्षिण का पठार, ठीक है, कितने हुए। हाँ तो हम कुल मिला के भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं, पांच मैम। देखो एक हो गया हमारा थार का मरुस्थल, एक हमारा हिमालयी क्षेत्र, एक है हमारा तटीय भाग, और एक हमारा उत्तर का मैदान, ठीक है, और एक है हमारा दक्षिण का पठार, ठीक है। और ये हिमालय में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, ये जो हिमालय पर्वतमाला है इसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए। हाँ मैम। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। हाँ, हिमालय का जो पूरा विस्तार है वो कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो जो यहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है उनसे क्या बनता है यहाँ पे उत्तर का मैदान, ठीक है। ये जो भूमि होती है काफी क्या होती है, उपजाऊ होती है, इसमें हम हमारी जो खेती है बहुत अच्छी होती है। और जो दक्षिण का पठार है इसमें क्या होता है, खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब कुछ पूछना है आप लोगों को, नहीं, समझ में आया जी मैम। चलो फिर होमवर्क लिखो जी मैम। लिख भारत को हम कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं जी, पहला क्वेश्चन लिखो जी, लिख लिया जी मैम। दूसरा क्वेश्चन लिखो आप जी। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। सबसे जी जी लिख लिया जी। अब ये लिखना कि उत्तर का मैदान में किन किन नदियों से सिंचाई होती है जी। लिख दिया दो नदियों का नाम लिख के लाना तुम्हें, ठीक है जी। जो नदियां यहाँ से हिमालय से निकलती हैं और उत्तर से होके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन दोनों का नाम लिखना है, ठीक है जी। थैंक यू।